ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उसे व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, अपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी ही है तो यहां बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहां पर जो करने आया हूं वह तो मैं करूंगा, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा यह बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लेकर आए हो? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा? ये सन्न बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए हुए क्यों धो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लिए धो रहा हूं? मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम आए तो हो यहां दुनिया छोड़ने और बिलक बिलक कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रहेगा? यह सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन में कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दो कंधों पर धो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक धोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उसे व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहां से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहां तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया है। आगे वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहां है समस्या? वो व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर है, जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, और यदि तुमने यह सारी चीज छोड़ ही दी है तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है, फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, कमी तो मेरे ही अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं तो सब बिगाड़ देता हूं, मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ क्या खराबी है तुम्हारे किस्मत में? तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया
और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभल सकूं, उन्हें वह हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो सब उन्हें के लिए कर रहा था, लेकिन वह लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे पास आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वह हमेशा यह कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है, किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख वो तेरा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारे जमा की हुई पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसीलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार खड़ा किया। लेकिन वहां पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहां तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह व्यक्ति कहता है, हां मुझे अच्छी तरह से पता है, वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह यह जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हां इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो यह देखकर मुझे तो दुख होगा ही ना गुरुवर, मुझे तो जलन होगी ही। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था, उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह देख देख कर दुखी रहता था, पछताते रहता था, तड़पता रहता था। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यह हुआ, अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वो व्यक्ति कहता है, जी हां मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है, यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो ना ही दुखी हो सकते हो, तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो। और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें यह सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं ना, तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी, इसीलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा आपसे हो गई है, क्योंकि आप ही वह है जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। हे गुरुवर मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे इस समस्या का समाधान मुझे आप बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बंद लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, यह तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की जो तुम्हें दुखी करने आता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची ही कर रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है, तो उसने अपने अनुभव की ही बात तो तुम्हें बताई है। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, तो तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, ऐसे अनुभव का इस्तेमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जो अनुभव चाहिए था तुम्हारा मित्र आकर तुम्हें घर पर ही दे रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हर मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदल जरूर जाता है। इसीलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे जरूरी यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे, तब वही तुम्हारे मित्र और तुम्हारी सफलता के नहीं तुम्हारे असफलता के गुण जाएंगे, ताकि तुम उन्हें की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हें की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहां पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय सुखी नहीं दुखी करने आएंगे, क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, यहां पर मेरा एक प्रश्न है, जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं, तो क्या अपने परिवार के लिए यह कही बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वो परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती है तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है, हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे, और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वह उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब, मैं हर नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि यह वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा,
इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियां से छुटकारा दिला सकता है, और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे अब कोई राह नहीं बची हुई है, जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो बातें कही हैं वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहां रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को दे देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति उसे बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था, उसके पास जीवन की हर सुख सुविधाएं भी आ गई थीं। अब वह ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्यकाल की चिंता करता था, वो तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है, जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहां से वहां भगाना पड़ा, यहां तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे, उनके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा, यह सब व्यर्थ है, उसका यह जीवन जीना भी व्यर्थ है, यह पूरा संसार व्यर्थ है। और जो कुछ भी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी वो सारी बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर उसे बक्से पर पड़ी जो उसे बौद्ध भिक्षु ने दिया था। फिर उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक पर्ची थी जिसमें यह लिखा था, यह बुरा समय भी निकल जाएगा, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, आपके पास सोने का सिक्का हो या ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है तो कुछ ना कुछ आप अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दौड़ पड़ी और उसने अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।